आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। महिला मुक्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। दुर्गाबाई के मन में समाज सुधार का अंकुर उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बो दिया गया था और वो सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक थीं। शायद ये इस कारण हुआ कि समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेसालिंगम उनके दादा के करीबी दोस्त थे। दुर्गाबाई जब महज 12 साल की थीं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए धन एकत्र किया था और जब वो गांधी जी से मिली तो उनके अनुरोध पर अपनी सोने की चूड़ियां भी उन्हें दे दी। पेशे से वकील दुर्गाबाई ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका विवाह केवल 8 साल की उम्र में हो गया था। दुर्गाबाई एक प्रेरक सार्वजनिक वक्ता थी और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहाँ उन्होंने महिला अपराधियों की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोचा। उनकी इस इच्छा शक्ति से हैदराबाद में आंध्र महिला सभा के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के लिए प्रोत्साहन मिला। संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई ने हिंदू कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयास संसद में पेश विधेयकों में उनकी भागीदारी में स्पष्ट दिखते थे। 1952 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1953 में वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। 1959 में सरकार ने उन्हें शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्गाबाई को कई सम्मान मिले, जिनमें यूनेस्को शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण और पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार शामिल हैं। 9 मई 1981 को उनका निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शंकर खुदे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1918 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। शंकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 13 अक्टूबर 1942 को आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक के बेलगाम जिले में हिंडालग सेंट्रल जेल में दिसंबर 1942 में गंभीर यातनाओं के कारण पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम राष्ट्रवादी सिद्धू भिवा पवार को भी याद कर रहे हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सिद्धू भिवा ने खाटव तालुक सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 9 सितंबर 1942 को वे परशुराम घरगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। आंदोलनकारियों ने देशभक्ति के गीत गाते हुए और राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए अदालत की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च किया। मार्च करने वालों को पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया और उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर गोलियां चलाई। सिद्धू को गोली लगने से गंभीर चोट लगी और 30 सितंबर 1942 को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के निवासी थे। वे आरंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे, लेकिन 1942 में वे मलाया में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 15 जुलाई 1944 को बर्मा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। तो इसके साथ ही नया